बैठक से पहले अजित पवार खेमे को बड़ा झटका लगा है। 4 एमएलए और 1 सांसद शरद पवार के यहां गए हैं, जिसके अंदर एमएलए किरण लाहमटे और शरद पवार का समर्थन करने वाले दौलत दरोड़ा, अशोक पवार वाईबी सेंटर में पहुंच चुके हैं, एमएलए मकरंद पाटिल और साथ ही सांसद अमोल कोले भी शरद पवार के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। तो बड़ा झटका फिलहाल इस बड़ी बैठक से पहले अजित पवार जहां अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बैठक के लिए मंच सज चुका है, समर्थक भी पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें विधायकों और सांसदों का झटका लगा है। 4 एमएलए और 1 सांसद फिलहाल अजित पवार के साथ से हटकर शरद पवार के पास वापस जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुर, क्या कुछ अपडेट इस झटके को लेकर? देखिए, उस झटके से पहले जो सवाल आपने इससे पहले मुझसे किया था कि क्या ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर हमें वो लोग मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दरेकर है। संतोष जी कहाँ से आए? हम सिरूर तालुका करंदी गांव से आए हैं। आप अभी इस वक्त बैंड्रा में मौजूद हैं जहाँ पे अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, तो आप एक कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं या क्या करने आए हैं? नहीं, हम देश के नेता शरद चंद्र जी पवार को मानने वाले हैं, वो हमारे दैवत है, उनकी भक्ति ही हमारी शक्ति है और उनके लिए ही हम यहाँ खास तौर पे आए हैं। नहीं, नहीं, आप तो अजित पवार जी के आए ना, जाइए तो, अगर आपको जाना तो शरद पवार जी के जाइए। नहीं नहीं, हम अभी हमारे दो तीन फ्रेंड है, वो हमारे गाड़ी में आए हैं, उन्होंने बोला हमको इधर ड्रॉप करो, तो हमने उनको इधर ड्रॉप किया है और अभी हमारा ड्राइवर थोड़ा वॉशरूम गए है। तो आप यहाँ आकलन करने आ गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं नहीं, हम उनको खाली छोड़ने आए। और फिर आप कहाँ जाएंगे? अब हम पवार साहब के पास जाने वाले। आप पवार साहब के पास जाएंगे? हम अशोक बापू पवार के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है और उनके दैवत शरद चंद्र जी पवार है, एमएलए अशोक बापू पवार, तो हम पवार साहब के पास जाएंगे। अशोक पवार जो है एमएलए जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो शरद पवार जी के साथ ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी सिल्वर वॉक पे उनके साथ मौजूद है और उनकी विचारधारा को आगे लेने के लिए वो पूरी होश हवस से जिम्मेदारी के साथ तैयार है। तो आप मौजूद अभी यहाँ पर हैं जहाँ पर अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन जाएंगे आप शरद पवार जी के साथ? 100% सही बात है। तो दोनों में अंतर क्या है, मतलब क्यों अजित पवार क्यों नहीं और शरद पवार क्यों? शरद चंद्र जी पवार साहब उनके ये लोग गलत कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये लोग गलत कर रहे हैं बीजेपी के साथ जाकर? पूरा 100% गलत हुई। Z News।